आप सभी का स्वागत है देखिए और सीखिए द नीटिंग चैनल। मैं सब के लिए यहाँ पे एक स्कार्फ लेके आई हूँ, बहुत ही प्यारी सी खूबसूरत सी स्कार्फ है। इस स्कार्फ से ऐसे कि इसकी बहुत ज़्यादा घनी बुनाई है, ठीक है, इसमें ठंड बहुत कम लगेगी। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे 4 प्लाई ऊन को डबल कर लिया है, ठीक है। 4 प्लाई ऊन पतली वाली जो होती है उसे मैंने डबल कर लिया। आप 8 प्लाई ऊन से बनाइए या फिर 6 प्लाई ऊन से बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। इसके लिए मैंने जो क्रोशिया लिया है 4 mm का क्रोशिया लिया, आप यहाँ पे 5 mm क्रोशिया भी यूज कर सकती हैं। सबसे पहले यहाँ पे चेन बनाएंगे। चेन हम 2 के मल्टीपल से लेंगे, 2 के गुने से चेन लेना है, तो टोटल यहाँ पे हम 30 चेन लेंगे, यानी 30 चेन लेना है आपको यहाँ पे, या फिर आप अपने अनुसार चौड़ाई हिसाब से रख सकते हैं, लेकिन 2 के गुने से ही आपको चेन लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं चेन बना लेती हूँ, उसके फिर आगे दिखाती हूँ कि क्या करना है। मैंने यहाँ पे 30 चेन बना के कम्प्लीट कर लिया। अगर इंच टेप से नापती है तो 7.5 इंच यहाँ पे हमारी ये चौड़ाई बन के आएगी, ठीक है, चौड़ाई 7.5 इंच। अब देखिए किस तरह से करना है। अगर आज की वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है आप सबको तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। अपने वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और एक कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि वीडियो आप सबको कैसे लगती है। तो देखिए सबसे पहले ये जो चेन धागा लगा हुआ इस चेन को हमें छोड़ देना है, ठीक है। इसके बाद जो चेन है यहाँ पर हम डालेंगे और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया करना है। ये जो ये जो हमारी मफलर है ये हमारी सिंगल क्रोशिया ही से ही बनेगी, लेकिन डिज़ाइन चेंज होगी, ठीक है। इस तरह से सबसे पहले ये रो हमारी कंप्लीट होगी सिंगल क्रोशिया के साथ। हर एक चेन पे डालते हुए एक एक सिंगल क्रोशिया करते हम इसे कंप्लीट करेंगे। ये अगर आप फुर्सत से बैठे हैं तो आप एक दिन में ही ये स्कार्फ बना के कंप्लीट कर सकते हैं, यानी मफलर। चलिए तो पहली रो कंप्लीट कर लेते हैं यहाँ पे हम सिंगल क्रोशिया के साथ। तो यहाँ पे देखिए हमारी पहली रो हमारी कंप्लीट हो गई, सिंगल क्रोशिया की लाइन कंप्लीट हो गई। अब एक चेन लेंगे, पलट जाना आपको, फर्स्ट वाली चेन जो है यहाँ पे डालेंगे और एक सिंगल क्रोशिया सबसे पहले करेंगे। सेकंड वाली चेन पे डालेंगे, यहाँ भी हमें सिंगल क्रोशिया करना है, यानी 2 चेन में हमें अलग अलग एक एक सिंगल क्रोशिया करते हुए कंप्लीट करना। अब यहाँ पे हम एक चेन लेंगे, तीसरा नंबर का जो हमारा चेन आएगा, थर्ड नंबर का जो हमारी ये चेन है इसे स्किप कर देना है। फोर्थ नंबर वाली चेन पे जाएंगे और यहाँ पे सिंगल क्रोशिया के साथ इसे बनाना है। फिर से हम एक चेन लेंगे, ये वाली चेन फिर से हम छोड़ देंगे, उसके अगली वाली चेन पे फिर से हमें सिंगल क्रोशिया बनाना। इस राउंड में आपको इसी तरह से करना है, एक चेन लेना है, नीचे से एक चेन छोड़ना है और उसके अगली वाली चेन पे हमें बनाना है। फिर से एक चेन लेंगे, 1 चेन लेना है, 1 चेन नीचे से स्किप करना है, नेक्स्ट वाली चेन पे डालेंगे और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से एक चेन लेंगे, इस चेन को स्किप करना है, अगली वाली चेन पे सिंगल क्रोशिया। एक चेन लेना है, नीचे वाली एक चेन छोड़ना है, ये वाली चेन छोड़ना है, उसके बाद वाली पे बनाएंगे। ये चेन छोड़ना है, फिर अगली वाली पे सिंगल क्रोशिया करेंगे। लास्ट में जैसे मैंने शुरुआत में 2 सिंगल क्रोशिया एक साथ किया हुआ है, लास्ट में भी आपके 2 सिंगल क्रोशिया आएगी, ठीक है। तो एक चेन लेंगे, फिर ये वाली चेन छोड़ेंगे, अगली वाली चेन पर डालेंगे, सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर से हम एक चेन लेंगे, ये वाली चेन छोड़ना है, अगले वाले पे सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर से एक चेन लेना है, इस चेन को छोड़ेंगे, अगले वाले पे डालेंगे, सिंगल क्रोशिया करेंगे। 1 चेन स्किप, उसके बाद नेक्स्ट वाली चेन पे सिंगल क्रोशिया। फिर से एक चेन, ये वाली स्किप कर देंगे, यहाँ पे बनाएंगे। फिर से एक चेन लेंगे, इस वाली चेन को स्किप करेंगे, लास्ट पे आपके 2 चेन बचेंगे। जिसमें शुरुआत में 2 हमने सिंगल क्रोशिया बनाए, इसी तरह से आपके लास्ट में भी 2 सिंगल क्रोशिया आएगी, ठीक है। तो ये हमारी पहली रो हो गई। नीचे की जो लाइन हमारी थी ये वाली, इसे हम काउंट नहीं करेंगे, डिजाइन की लाइन हम यहाँ से शुरुआत करेंगे जो अभी हमने बनाई हुई है। अब चेन 1 लेंगे, इधर पलटना है सबसे पहले। 2 सिंगल क्रोशिया जो बनी हुई थी सेम उसमें पहले हम 2 सिंगल क्रोशिया बना लेते हैं, 1 सिंगल क्रोशिया और ये 2 सिंगल क्रोशिया। अब देखिए जहाँ हमने स्किप किया हुआ था, एक चेन लिया हुआ था और स्किप किया हुआ था इस चेन को, थर्ड नंबर चेन को हमने स्किप किया था, अब यहाँ पे किस तरह से बुनाई होगी देखिए। यहाँ नीचे से डालेंगे, ठीक है, एक लाइन नीचे से जहाँ से हमने छोड़ा हुआ था यहाँ पे डालेंगे और यहाँ से फंदा खींचते हुए ऊपर लाना और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाना है आपको, ठीक है। अब जो सिंगल क्रोशिया बनी हुई थी इसमें फिर से बनाना है, लेकिन जहाँ हमने चेन बनाई है, ठीक है, उस जगह पर एक फंदा नीचे जाते हुए हमें इस तरह से फंदा लाते हुए ऐसे धागा खींचते हुए फिर से चेन बनाना है। तो ये जो इसका बनेगी आपकी, यानी मफलर, जैसे हम उल्टा सीधा बुनाई करते हैं, सीधी सिलाई कैसी होती है, बस उसी तरह से ये बनती हुई जाएगी।
अब यहाँ पे एक सिंपल आपको सिंगल क्रोशिया करना है और एक रो नीचे जाते हुए यहाँ से धागा खींचते हुए लाना है और यहाँ पे हमें एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। फिर नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया, सिंपल सिंगल क्रोशिया, फिर से एक रो नीचे जाते हुए यहाँ पे सिंगल क्रोशिया। ठीक है, बहुत इजी है। यहाँ पे आपको डिज़ाइन दिख भी रही होगी, देख सकते हैं सीधी सीधी लाइन दिखने लगी होगी। फिर से सिंपल सिंगल क्रोशिया, एक रो नीचे जाएंगे यहाँ पे, उसी चेन को जहाँ हमने एक चेन लिया हुआ था उसी चेन के सेंटर पे नीचे जाते हुए एक लेना है। ठीक है, इस तरह से लिया, फिर नीचे जाएंगे धागा खींचते हुए लाना है और सिंगल क्रोशिया बनाना है। फिर नॉर्मल सिंगल क्रोशिया, फिर से धागा खींचते हुए लाएंगे सिंगल क्रोशिया, नॉर्मल सिंगल क्रोशिया, फिर एक रो नीचे से सिंगल क्रोशिया बनाना है, धागा खींचते हुए लाना ऊपर तक, ऐसे लेना है सिंगल क्रोशिया नॉर्मल, फिर एक रो नीचे से जाना है और यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाना है, फिर यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, इस वाले पे देखें, यहाँ चेन है इसके नीचे यहाँ पे, फिर से नॉर्मल सिंगल क्रोशिया बनाना है, एक सिंपल सिंगल क्रोशिया और एक नीचे से जाते हुए धागा खींचते हुए ऊपर लाना है, फिर एक सिंगल क्रोशिया, फिर एक नीचे जाते हुए सिंगल क्रोशिया, फिर से एक सिंगल क्रोशिया, फिर एक नीचे जाते हुए सिंगल क्रोशिया, इस तरह से धागा खींचते हुए लाना है एक रो नीचे से, और लास्ट में आपके दो सिंगल क्रोशिया बचेंगे जैसे नॉर्मल सिंगल क्रोशिया बना रहे थे उसी तरह से आपको बनाना है। ठीक है, अब देखिए फिर से एक चेन लेंगे तो फिर बता देती हूँ कि किस तरह से करना है। अब यहाँ पे जितनी भी चेन दिख रही है सबसे फर्स्ट वाली पे जैसे हमने फर्स्ट रो में बनाई थी नीचे की लाइन छोड़ते हुए जो सिंगल क्रोशिया वाली लाइन बनाई थी वो नहीं बनाना आपको। दो सिंगल क्रोशिया बना लेने के बाद आपको एक चेन लेना है। ठीक है, अब तीसरे नंबर का जो चेन है इसे छोड़ देना है, चौथे नंबर पे चेन पे जाके सिंगल क्रोशिया करना है। फिर एक चेन लेंगे, पांचवें नंबर का चेन छोड़ देना है, छठे नंबर के चेन पे हम सिंगल क्रोशिया कर लेंगे। जैसे मैंने सेकंड लाइन पे बताया हुआ था आपको, सेकंड लाइन सॉरी फर्स्ट लाइन में बताया था सेम आपको वही लाइन दोहरानी है। फिर एक चेन लेंगे, इस वाली चेन को छोड़ देंगे, अगली वाली चेन पे सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर से एक चेन लेना है आपको, ये चेन छोड़ देना है, अगली वाली चेन पे इस तरह से बनाना है। फिर से पता चल जाएगा, देखिए जहाँ हमने ये सीधी वाली लाइन एक लाइन नीचे से बनाया था सेम यही चीज़ है, जैसे कि सेंटर पे आपको एक चेन छोड़ देना है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, देखिए है ना, ये वाली हमने सीधी लाइन बनाई है इसी के सेंटर पे ऊपर जाते हुए, देखिए हमने यहाँ पे छोड़ा हुआ है। तो इसी तरह से करते हुए आपको पूरी लाइन यही दो सिलाइयाँ आपको बार बार, यानी यही दो रो आपको बार बार बनाते हुए जाना। ठीक है, यहाँ पे छोड़ते हुए यहाँ पे लेंगे, लास्ट में दो सिंगल क्रोशिया आपकी आएगी तो दोनों बना लेते हैं। फिर एक बार और दिखा देती हूँ आपको, चलिए एक बार और बता देती हूँ आपको। तो यहाँ पे आपको इस तरह से एक चेन ले लेना है, इधर पलट जाना है, पलटने के बाद देखिए सबसे पहली चेन में डालेंगे एक सिंगल क्रोशिया करेंगे, सेकंड चेन में डालेंगे सिंगल क्रोशिया करेंगे। ठीक है, अब जो थर्ड चेन है देखिए ये वाली, यहाँ पे हमने एक चेन बनाई थी तो नीचे वाली जो चेन है देखिए ये वाली जहाँ आपने यहाँ पे बनाया था इस जगह से इस रो पे यहाँ पे डालेंगे और यहाँ से फंदा खींचते हुए ऊपर लाएंगे ऐसे। फिर आपको एक सिंपल सा बनाना है सिंगल क्रोशिया जैसे बना रही थी और एक रो फिर नीचे से, देखिए यहाँ तो एक चेन का हमने गैप रखा हुआ है। अब जो नीचे एक लाइन जो हमने जहाँ से बनाई थी यहाँ आपको क्रोशिया एक्स्ट्रा डालना है और यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाना है। फिर एक नॉर्मल बनाएंगे और एक हम नीचे से जाते हुए यहाँ पे बनाएंगे, फिर एक सिंपल, फिर एक नीचे से जाते हुए यहाँ पे जहाँ ये सीधी लाइन दिख रही यहीं पे डालना है आपको इस तरह से। ठीक है, आप चाहें तो इसे कैप भी बना सकती हैं, कैप भी बहुत अच्छी बनेगी इसे। तो इस जो ये हमारी बनेगी मफलर, इसकी लंबाई आपको 55 इंच रखना है। ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा लेंथ ज्यादा चाहिए तो आप 60 इंच तक भी इसे रख सकती हैं। और मैं दिखाती हूँ कि आगे बनाते हुए अगर आप पतली ऊन से बना रही हैं तो कुछ इस तरह से इसकी बुनाई होगी और नीचे साइड आप इसकी झालर लगा सकते हैं तो कुछ इस तरह से देख सकते हैं, इसकी सीधी सीधी बुनाई दिखेगी आपको। देखिए
ये जो सीधी लाइन दिख रही है, देखिए जैसे हम इस तरह से सिलाइयों से बनाते हैं सेम उसी तरह से दिखेगी, लेकिन थोड़ी सी मोटी ऊन से बनाएं। मैंने ये भी दिखा दिया कि पतली ऊन से बनाएंगे तो कैसी लगेगी और मोटी ऊन से कैसी। नीचे साइड से आप जिस तरह से मैंने टसल या झालर लगाना बताया था सेम आप इस तरह से नीचे झालर लगा लें इसे। मैं इसके पहले भी बहुत सारी मफलर की वीडियो डाल चुकी हूँ, आपने नहीं देखा है तो मैं वीडियो लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से जाकर उसे देख सकती हैं। और बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत शॉल की डिज़ाइन भी है मेरे चैनल में, आप चाहें तो उसे भी आप जाके देख सकती हैं। कैप शॉल मफलर बहुत तरह की डिज़ाइन डली हुई है मेरे चैनल पर, और उल्टे साइड से कुछ इस तरह से दिखेगी। बहुत ही इसकी घनी बुनाई है, देख सकते हैं जब इस तरह से करेंगे तो। उम्मीद करती हूँ कि आज का ये स्कार्फ डिज़ाइन आप सबको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कर दें आप लोग। मिलते हैं कुछ न्यू वीडियो के साथ, थैंक यू।